नमस्कार मेरा नाम एम एस चौहान है और मैं कोटा में पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं और अभी तक मैंने करीबन 20,000 हज़ार पढ़ाए हैं और ऑल इंडिया रैंक वन टू थ्री फोर एक्सेप्ट ऑल इंडिया रैंक एट मैंने बहुत सारे टॉपर्स पढ़ाए हैं और 20 सालों से पढ़ाते पढ़ाते जो मैंने सीखा है उसको मैंने बुक में कन्वर्ट भी किया है तो आज मैं आपको अपनी सोलूम्स वाली जो एडेप्टेड वर्जन बुक है उसके बारे में बताऊँगा ये वायली पब्लिकेशन से जो बुक आती है हमारी सोलोमन्स फ्राइल एंड सेंडर जिसमें मैंने उसको एडेप्ट किया चेंजेस किया अकॉर्डिंग टू जेई मे एंड एडवांस सिलेबस ये इसका ट्वेंटी फिफ्थ एडिसन अभी लॉन्च हुआ है अब पुराने एडिशन और नए एडिशन में क्या डिफरेंस है इसमें बहुत सारे नए एनिमेशन ऐड किए हैं क्विजेज ऐड किए हैं अब एनिमेशन कहाँ हैं आप बुक के जब लास्ट में जाएंगे स्टार्टिंग में दोनों जगह दे रखें आपको एक बार कोड नजर आएगा और आप उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आप एनिमेशन देख सकते हैं कई बार क्या होता है कई टॉपिक्स में आपको विजुलाइज करना होता है जैसे वाले आइसोमरीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे होती है मॉलिक्यूल्स कैसे अटैक करते हैं अगर आप एक बार पिक्चर देख लोगे तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी अब जो बच्चे पहली बार खरीदे हैं पहली बार बुक पढ़ रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है उनको क्या करना है कि जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक है जीओसी इंट्रोडक्शन वाला जो पहला चैप्टर है इसका ये आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है अगर आप क्लास इलेन्थ में है तो आपको कोशिश करनी है कि सारा कॉन्टेंट इसका पढ़े अगर आप क्लास इलेवंथ में इतना डिस्क्राइब करके दिया है कि वो बेटर आपको एक एक लाइन में बेटर चीज़ें समझ में आएगी आजकल जेई के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं वो बुक के बीच में टेक्स्ट में से आ रहे हैं तो अगर आप ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ लेंगे तो जेई एडवांस का क्वेश्चन क्रैक करने के चांसेस कम होते हैं इसलिए आपको पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहिए उस हिसाब से बुक बहुत यूजफुल है अगर आप ड्रॉपर हैं आपके कई टॉपिक अच्छे होंगे तो उस केस में आपको क्या करना है आपको पीछे जो इंडेक्स दे रखा है इस इंडेक्स को यूज़ करना है जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है मार्कोनिक रूल तो आप मार्कोनिक रूल ये पेज है थ्री फोर्टी नाइन आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है आपको हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ पढ़ना है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी क्वेश्चन सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी मार्क्स आपके अच्छे आने लगेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा आपको फील आएगा कि यार कैसे हो रहा है रिएक्शन कैसे हो रहा है आइसोमेरिज्म कैसे हो रहा है इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं इस बुक का एक और यूएसपी ये है कि अभी एनटीए का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है ये बुक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ एन टी एन आपको एक्जेक्टली exactly जो सिलेबस अभी जो एन टी ए ने रिलीज किया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को पूरा डेवलप किया है ताकि आप कोई एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ने नहीं पड़े एकदम कंसाइज होकर फोकस होकर आप तैयारी कर सकते हैं इस बुक के थ्रू अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड में आप देखा होगा बहुत बार सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं तो ओलंपियाड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा चैप्टर पूरा थ्रोली पढ़े और उसके पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है वो भी सॉल्व करें और क्विज दे रखे हैं वो भी सॉल्व करें यानी ओलंपियाड वालों को सेलेक्टिव नहीं बनना है उनको पूरा का पूरा, पूरा पढ़ना है ताकि आप ओलंपियाड को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे एक और गुड न्यूज ये है कि अभी मैंने आई टी जी और एडवांस का पूरा सिलेबस इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेजेज में अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर तो जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं आपको और डिटेल में जानना है थोड़ा उसका एनिमेशन भी देखना है और क्विज करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उस YouTube चैनल पे क्या कर सकते हो कि आप जैसे हाइड्रोकार्बन में आपको लगे कि नहीं यार मेरे को हेलोजिनेशन समझना है तो आप वो वीडियो पूरा देखिए मैंने उसको कैसे डेवलप किया उसकी पूरी थ्योरी बनाई है उसके लास्ट में एक क्वीज़ है उसके साथ एक छोटा एनिमेशन ऐड किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के लास्ट में एक रिकैप है ताकि पूरा आप लेक्चर जो है अच्छे से सीख पाएंगे और बुक प्लस यूट्यूब को मिला के आप घर बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अच्छा कॉन्टेंट आप सीखेंगे सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा ये मेरा वादा है थैंक यू नमस्कार जय